Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. बेटा आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं और रिवीजन हम कर रहे हैं चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर में हमने कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था. जैसे कि आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर वर्किंग करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज कर रहे होते हैं, तो उन डिफरेंट डिवाइसेस को ही पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया. जैसे इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस यूज किया जाता है कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए. इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं हम मॉनिटर प्रिंटर वगैरह. तो ये क्या कहलाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. तो हमने इन चैप्टर्स में इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग को डिस्कस किया कि कीबोर्ड का क्या काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, मॉनिटर का काम क्या होता है आउटपुट डिस्प्ले करना. तो इन सारी डिवाइसेस को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी पे आपने राइट डाउन किया है. उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर थ्री सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स. यानी हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाते हैं. लेकिन जब हम कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. यानी प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर में वर्किंग होती है. तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया. यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं. तो इस चैप्टर में हमने इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया था. और इसमें हम जैसे वर्ड एक्सेल वगैरह यूज करते हैं तो ये भी क्या कहलाए जाते हैं सॉफ्टवेयर. तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी आपके पास कॉपी में मौजूद हैं, आपको वो लर्न करनी है. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर फोर कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन परफॉर्म की जाती है उसको हम क्या कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. एक इंडिविजुअल सिस्टम यूज करें लेकिन अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस एनवायरमेंट को हम क्या कह रहे हैं नेटवर्क. अब नेटवर्किंग डिफरेंट टाइप की होती है कि अगर हम स्मॉल एरिया पे नेटवर्किंग कर रहे हैं थ्रू केबलिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हम उसको डिफरेंट नेम देते हैं, और अगर वर्ल्ड वाइड करते हैं तो उसे हम डिफरेंट नेम देते हैं. तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया जैसे लैन मैन वैन. लोकल एरिया नेटवर्क जो स्मॉल एरिया पे होती है, मैन जो लोकल एरिया, मैन मीन्स मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो लोकल यानी स्मॉल एरिया से थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस पे होती है यानी सिटी टू सिटी अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और अगर हम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं. तो और इसके अलावा हमने टोपोलॉजीज को भी डिस्कस किया था कि हम जो कंप्यूटर की अरेंजमेंट करते हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है, बस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी. तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए थे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपके पास कॉपी पे है, आपको उनको लर्न करना. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5 यूजिंग इंटरनेट. जो हम वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इंटरनेट कहते हैं. और इसमें हम लार्ज एरिया पे कम्युनिकेशन करते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है थ्रू वर्ल्ड वाइड, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी. जैसे WWW हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो WWW कही जाती है. इसी तरीके से वेब ब्राउजर, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं कि हम इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से वेब ब्राउजर यूज करेंगे. जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउजर होते हैं. इसी तरह सर्च इंजन हम यूज करते हैं, याहू या हम गूगल पे सर्चिंग करते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपकी कॉपी पे राइट डाउन है. तो इन एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि आप अपने पेपर्स को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सके. ठीक है बेटा. बेटा आज मैं एग्जाम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सके. ठीक है. दिस इज द एग्जामिनेशन कॉपी.
ये कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप पेपर देने आते हैं, तो इस कॉपी को कैसे फिल करना है और क्वेश्चन आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये कॉपी आपको दी जाती है, तो इसमें आपको यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन पे टिक करना है 2021, नेम के आगे अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे, क्लास एंड सेक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट जिस पेपर को आप सॉल्व करें, जैसे कंप्यूटर का पेपर है सब्जेक्ट के साथ आप क्या लिख देंगे कंप्यूटर। यहाँ पे है नंबर ऑफ सप्लीमेंट, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें अटैच के आगे आपने क्या लिखना है। यहाँ डेट लिखी हुई है, तो डेट जो भी डेट होगी वो आपने डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ये फर्स्ट पेज पे आपने सिर्फ बायोडेटा फिल करना है, यहाँ आपने कुछ भी राइट डाउन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लीमेंट जो लिखा है वो ये इसलिए है कि अगर आपकी कॉपी फिल हो जाती है, यानी आप जब सॉल्व कर रहे हैं पेपर और आपका ये आपकी ये कॉपी फिल हो गई, तो आपको एक सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह का सप्लीमेंट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सप्लीमेंट पे अपना रोल नंबर, नेम एंड क्लास मेंशन करना है और टीचर यहाँ पे साइन कर देती है, ठीक है। अच्छा, इस सप्लीमेंट को आपने कैसे अटैच करना है, जैसे ये आपकी कॉपी है, आप कंप्यूटर का पेपर देने जा रहे हैं, तो इंग्लिश साइड से राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ लास्ट में आप इसको अटैच करेंगे, और अटैच आप थ्रेड के जरिए भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास स्टेपलर मौजूद है तो उसके जरिए भी आप अटैच कर सकते हैं। अब अगर आपने नंबर ऑफ सप्लीमेंट एक लिया है, वन लिया है, तो अटैच के आगे आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वन, ठीक है। और अगर आपने सप्लीमेंट नहीं लिया, यानी आपका पेपर विदाउट सप्लीमेंट है, तो यहाँ डैश राइट डाउन कर दीजिएगा, ओके। नंबर ऑफ सप्लीमेंट ज्यादा है तो जितने नंबर ऑफ सप्लीमेंट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे 1, 2 या 3 जितने भी आपने लिए हैं वो यहाँ पे राइट डाउन करें, सही। बायोडेटा फिल करने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और ये देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चॉइस भी मौजूद होती है, तो आपको जो अटेम्प्ट करना है तो वो आपने देखना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम जरूर राइट डाउन करना है। क्वेश्चन पेपर पे ऑब्जेक्टिव कभी भी फिल नहीं करते, क्वेश्चन पेपर पे आपने ऑब्जेक्टिव फिल नहीं करना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे टिक लगा सकते हैं जो आपने सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है जैसे अगर, तो क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व कहाँ करेंगे, इस पेज से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप उनके आंसर मेंशन करेंगे, तो आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। नंबर आपने बिल्कुल एक्यूरेट उतारना है, नंबर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी जो नंबर पेपर पे मौजूद है वही यहाँ पे राइट डाउन करना है, ओके। क्वेश्चन आंसर के अलावा अगर कोई एक्सरसाइजेस आपकी बुक में है जो पेपर में आ सकती है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है या एमसीक्यूज होते हैं, तो उनको भी पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनका आंसर राइट डाउन कीजिए। जैसे फिल इन द ब्लैंक है तो सिर्फ ब्लैंक आप राइट करके और ब्लैंक का जो भी आंसर है वो फिल कर दीजिए, पूरी स्टेटमेंट राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर राइट डाउन कीजिए, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस होती है, तो सारे ऑप्शंस उतारने की जरूरत नहीं है, जो करेक्ट आपको लग रहा है सिर्फ वो राइट डाउन कर दीजिए। इसी तरह से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ट्रू फॉल्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रू या फॉल्स जो भी आपको करेक्ट लग रहा है कि ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट डाउन करेंगे। जो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाए वो आंसर आपने राइट डाउन करना, ठीक है। पेपर आपको नीट एंड क्लीन करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन राइट डाउन किया और उसको फिर कट कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स माइनस होते हैं, तो स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से याद करनी है। जब आप क्वेश्चन आंसर या कोई भी एक्सरसाइज लर्न कर रहे होंगे तो स्पेलिंग भी याद करेंगे ताकि उसकी मिस्टेक ना हो, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, टेक केयर, अल्लाह।